हेलो, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज़ अप यूट्यूब। मेरा नाम है इब्राहिम और आज जिस ईपी पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इसके चार सॉन्ग्स आए हैं। टॉक टू यू लेटर बाय JJ47। तो JJ47 को किस तरह हम भूल सकते हैं, तो देखते हैं। पहला सॉन्ग का नाम है उनवान, यानी कि स्टार्टिंग। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उनवान, ओके मैन, आई सी यू, टॉक टू यू लेटर, ईपी। आ तुम पे एक और नज्म लिखी, बोलो क्या उनवान रखूं। तुम आने की आवाज जो दो, मैं भारी दस्तरखान रखूं। तुम बोलो जी जी भर के जो, अब तुम पे ही दे हाँ। तुम आने की जो आवाज भरो, मैं बारी दस्तरखान रखूं, यानी कि सजा दूं दस्तरखान को। आने रखूं चंद लम्हों की ना बातें, ये मैं रातें ना आसान रखूं। तुम पे एक और नज्म लिखी, बोलो क्या उनवान रखूं। तुम आने की आवाज जो दो, मैं भारी दस्तरखान रखूं। उनवान जिस तरह यूज हो रहा है ना, बहुत प्यारा यूज हो रहा है। तुम लव बोलो जी जी भर के जो, अब तुम पे ही देहान रखूं। चंद लम्हों की ना बातें, ये मैं रातें ना आसान रखूं। तो मेरे लिखे गीतों की लोगों से जाकर जो तश्रियां पूछती हो, तुम समझो सभी लेकिन फिर भी कहीं बैठी पहेलियां पूछती हो। अगर आपने पाकिस्तान में उर्दू मैट्रिक में नहीं पढ़ी तो आप ये नहीं समझ सकते, वो लाजमी है इसके लिए। ओ ए लेवल्स वाले क्या पता था, ये नहीं समझ सकते। तुम अभी भी तशरी, वही हो, अभी भी वही हो, या फिर कोई दूसरी हो। शूज कार्स मेरी समझ से बाहर, तुम कैसी चीजें पूछती हो। दिल में लगे हुए शामियाने, कोई रुखसती या मातम पुराने। दिल में छुपा क्या रब ही जाने, मुझे पता मेरे गीत मेरे काम नहीं आने। लेकिन आते बाज कहा मुझे पता मेरे गीत काम नहीं आने, कितनी डीप लाइन है यार, एक आर्टिस्ट बोल रहा है। है अब बचे राज कहाँ है, मिलते मिजाज कहाँ है, हुआ आगाज कहाँ है। काफी सफर और भारी अबर, दूर है मंजिल लंबा ये रास्ता है। यू कैन मेक अ लाई और कॉल इन सिक, वैसे भी हफ्ता है। वी गो ऑन एंड ऑन, आई गॉट एवरीथिंग, किसी चीज का नहीं मसला है। जाने हर एक पहलू, जिंदगी ने हमें तो हर जगह पर खाए। अब दुनिया एक दरगाह है, सिर्फ रब को ही सजदा है। चीजों में देखूं सौदे, किस में क्या क्या बचता है। और इतना तो बनता है, इतना ही बनता है, जिंदगी एक धंधा है, रिस्क भी बनता है। कोई हो बच्चा जैसे वो हंसता है, अब दिल नाजुक अब दिल डरता है। वाओ तुम पे वाओ, शेर लिखे हैं, जल्दी मीठे तेरे लिखे हैं, खुशियां बांटने बैठे तेरे हिस्से देखो ढेर लिखे हैं। रातें हो गई लंबी हम भी, फिर भी क्यों ये सवेर लिखे हैं। हम सब फेर लिखे हैं, आउट ऑफ केयर लिखे हैं तुम पे अब ये। हम सब फेयर लिखे हैं, आउट ऑफ केयर लिखे हैं, फेयर केयर सवेर, यानी कि बड़ा अच्छा यूज हुआ है। लिखी बोलो जो उनवान रखूं, तुम बोलो या ना बोलो फिर भी तेरा मैं यू मान रखूं। सुनता सब तेरे दिल की, देखो कैसे मैं भी कान रखूं। तुम आते हो या खुद को खुद ही तेरा मैं मेहमान रखूं। कमरे में बोतले हैं, सब कुछ कितना बिखरा है। आंखें नहीं अब खुलती पूरी, सब कुछ धुंधला दिख रहा है। तुम पे हर एक लफ्ज पिरोया, तुम पे हर एक फिक्रा है। दिल तो बच्चा दिल पे काबू, देखो दिल क्या लिख रहा है। वाह वाओ, तो यार ये सॉन्ग बड़ा लोफी टाइप का था, ठीक है। और उर्दू जो इस्तेमाल हुई हुई थी ना भाई, ऊपर से जाने वाली थी। इसका नतीजा यही था कि, यानी कि नतीजा मोरल, कि तुम जो भी करो मैं तुम्हारे लिए, यानी कि तुम्हारे साथ सही चलूंगा। यानी कि मुझे जो इस सॉन्ग का मतलब चला है, मैं तेरे लिए यानी कि वो स्टोरीज लिखूंगा, वो ऐसे लिखूंगा, समझ रहे हो। काफी ठेस उर्दू। हर सुबह एक तो ये एड्स इन्हें यार लंच बॉक्स में देती हूँ, मेरी वीडियो पे कभी ना आए। दूर की भरपूर गजा। अच्छा, नेक्स्ट सॉन्ग जो है इसका नाम है आवाज़, JJ47, उमैर भाई ने प्रोड्यूस किया है। तो देखते हैं सॉन्ग कैसा है। कोई ऐसा सॉन्ग मिल जाए जो दिल को लगे, JJ47 के होते हैं। पहला अच्छा था उनवान आवाज़। कभी किसी शाम के पहर या फिर तपती दोपहर, बैठे हुए याद लेकर। यार ये बीट बड़े मजे की है यार। ये लिल उर्जी वर्ड के गाने में थी और इस टाइप की, और
एपी ढिल्लो वगैरह के, यानी कि रिसेंटली पहले ये जो आखिरी 5 सॉन्ग्स हैं ना, इनमें से भी एक थी उसमें, इस टाइप की। ये नहीं कह रहा कॉपी कर रहे, लेकिन टाइप ढूंढते हैं हम इस हाल में गुजरे, बीट बहुत प्यारी है। ढूंढते हैं वैसे तो हमें शुरू पुराने ढूंढते हैं, वक्त पड़ने पे आता कौन बचाने ढूंढते हैं, दिल में रश लगा है लोग ठिकाने ढूंढते हैं, तेरे शहर में कितने दीवाने ढूंढते हैं, तुम किस सोच में हो किसके मुंतजर हो। बहुत प्यारी बीट यार, मैं तो बीट को ही सोच के पागल हो रहा हूँ उसके बारे में। आलम तो जानते हो हमको तेरी हर खबर हो जाओ बेफिक्र यूं मुझको अपने राज देखकर, जब तुम टूटने लगो तो मुझे आवाज देकर, बस याद करना मुझे आवाज देकर, दिल की बात करना मुझे आवाज देकर, जो भी साथ करना मुझे आवाज देकर, क्यों फिर चल पड़े हो हाथ में यूं ग्लास देकर, हम तुम्हें याद रखते तब जब गए भूल होते, तेरे सवाल भी बेमायनी फजूल होते, तुमको देखने के 10 बहाने रोज करते, काश इस उम्र में भी एक से जो स्कूल होते, हम किस आदतों में सोचो यूं मशगूल होते, तुमको रखते किताबों में जो फूल होते, साफ बात आए, तुमको रखते किताबों में अगर तुम जो फूल होते, डैम मैन होती क्या लाइन क्या है कुछ असूल होते, और कुछ लंबे वादे करते जो बस धूल होते, कभी बर्बाद करते खुद को कभी आजाद करते, तुझे हम लिख लिख कर तख्तियों पे याद करते, लोग बस किनारे कश्तियों पे याद करते, हम खुद गर्ज रब को सख्तियों पे याद करते, तुम किस सोच में हो किसके मुंतजर हो, तुम तो जानते हो हमको तेरी हर खबर हो जाओ बेफिक्र यूं मुझको अपने राज देकर, जब तुम टूटने लगो तो मुझे आवाज देकर, बस याद करना मुझे आवाज देकर, दिल की बात करना मुझे आवाज देकर, जो भी साथ करना मुझे आवाज देकर, क्यों फिर चल पड़े हो हाथ में यूं ग्लास देकर। अच्छा गाना आता भी नहीं है लेकिन साथ गाने का दिल कर रहा है, गाना है यानी कि ऐसा है। तेरे जिक्र करते उंगलियों पे तो थकते कैसे, तुम तो पहुंच से थे बाहर पास रखते कैसे, अब मालूम करने आए हुए तुम सस्ते कैसे, किया जो खुद को कुर्बा फिर देते सलके कैसे, किसी खुमार में हो मेरे इंतजार में हो, सुना है अभी भी तुम दिल के कारोबार में हो, हम भी कीमतें लगाएं जो इख्तियार में हो, बस फिर क्या बताएं क्या क्या इस बाजार में हो, जैसे ठीक होने की आरजू बीमार में हो, जैसे शख्स कोई खुद से ही तकरार में हो, जैसे झूमता हुआ पंछी मजार में हो, रब ही जानता है रंग कितने किरदार में हो, मैं हूँ याद हो गया मी हूँ। अच्छा पहले दो जो सॉन्ग थे ना, आवाज और उनवान, यानी कि उसी टाइप टॉक टू यू लेटर टाइप के, यानी कि फील में आए ना, यानी कि लोफी टाइप के, किसी के लिए अपने महबूब के लिए गाए हूँ, तो सॉन्ग बहुत अच्छा था। और सबसे मेन चीज जो मैं बार बार उसका बारे में कह रहा था, बीट जो बनी हुई थी ना, बहुत प्यारी बीट बनी हुई थी, बीट बहुत प्यारी बनी हुई थी, तो सॉन्ग भी बहुत आला था, बीट भी बहुत प्यारी थी, और सॉन्ग लॉफी टाइप का था, यानी कि मैं कोई ऐसा सॉन्ग ढूंढ रहा जो यानी कि दिल को लौंडों के लिए सही हो, समझ रहे। पर्दे नेक्स्ट सॉन्ग जो है यार, ये एड्स मैन चेहरे के लिए सिर्फ रोज। अच्छा इस सॉन्ग का नाम है पर्दे, बाय JJ47 प्रोड्यूस बाय जोके, लेट्स गो बिना किसी देरी के। अस्सलाम वालेकुम, साथ ईटर लगा हुआ होता नींद आ जाती है। हाई नेक स्वेटर, सलवार कमीज, जैकेट, लोंडे बैठे हुए ताक में, जिस तरह का ये स्टार्ट हुए ना, लोंडे बैठे हुए ताक में, अब ये समझ आ रही है कि यानी कि ये लव टाइप का, लोफी टाइप का नहीं होगा, और ये मेरा फेवरेट होगा मुझे जो लगता है। लोंडे बैठे हुए ताक में, लोंडे घूर तेरी खामखा, ये लोंडे किसी दर्द में है, गम हर मर्द में है, कोई कोई जानता, दर्द हर मर्द में है, कोई कोई जानता, टू लाइंस,
तुझे पता तेरे साथ खड़ा कौन, हटा कौन और कौन है जो काम का कभी रखता है पर्दे, वरना पता तुझे कौन है जो ढांपता। अब ये सजा मेरी जजा बने, अब रबी रखता है पर्दे लेकिन तुझे पता है कौन है डांटता, यानी कि कोई भी आपके राज नहीं छुपाता, ये फैक्ट है। मैं चाहता खान तू मेरा भी गवाह बने, अब ये सजा मेरी जजा बने, अब मैं चाहता खान तू मेरा भी गवाह बने। यार ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, मैं चाहता कि खान तू भी मेरा गवाह बने, यानी कि ये बड़ी हैवी स्लैंग होती है समझ, यानी कि गली मोहल्ले के लोगों को यानी कि एक दूसरे को खान कहना समझ, बेशक वो पठान हो ना हो खान कहना समझ लो, तो यानी कि बड़ी मेरे लिए डीप बात थी खान वो जो का वर्ड यूज किया। अब मैं चाहता मेरे हाथ कभी रुके नहीं, अब मैं चाहता मेरी गला मेरी दवा बने, अब मैं चाहूँ एक खुद से खिताब हो, मैं हूँ तुम हो आप हो रब हो, हर चीज पे हिसाब हो, आज हाथ रुके नहीं जैसे एहतजाज हो, हाथ बंधे हुए डर से पहले, अगर से पहले मगर से पहले, ये बात मेरी सुन ले सबर से पहले, तुझे जागना पड़ेगा हशर से पहले, देखनी है तुझे जागना पड़ेगा हशर से पहले, आखिरत से पहले जागना पड़ेगा, या कब्र से पहले कुछ काम है अधूरे, पकड़ से पहले माँ पूछती किधर हूँ फिकर से पहले, मैं लौटा था घर अब फजर से पहले, वाओ लोडे बैठे हुए ताक में, लोडे घूर तेरी खामखा, ये लोडे किसी दर्द में है, गम हर मर्द में है, कोई कोई दर्क में है। दर्क का मैं किस तरह समझाऊं, किसी यानी कि ना वो आपकी मूवमेंट के इंतजार में समझो, जानता तुझे पता तेरे साथ खड़ा कौन, हटा कौन और कौन है जो काम का रबी रखता है पर्दे, वरना पता तुझे कौन है जो ढांपता। मैं कहानी लिखूं मुख्तसर और ये लोग मुझे ढूंढे मेरे मुंतजर, बेठिकाना घूमूं इस नगर उस नगर, जिंदगी इम्तिहान लेती किस कदर, हर किसी की नजर रोजी और इनाम पे है, मुजरिम महज भूखा कल शाम से है, घर में सोचे लौटा निकला किसी काम से है, उसका लेना देना चीनी हुई दाम से है, भूख कैसी लगी मिटती नहीं है तुम्हें, आदमी की मेहनत कभी दिखती नहीं है, भूख कैसी लगी मिटती नहीं है तुम्हें, आदमी की मेहनत कभी दिखती नहीं है, किस्मत सिर्फ कामयाबी दिखती नहीं है, रोटी बुझे हुए चूल्हे पे सिकती नहीं है, फाके हुए कितने की गिनती नहीं है, घरों से है दूर हसल रुकती नहीं है, ये कला है आजाद तभी झुकती नहीं है, अब ये चोट है पुरानी तभी दुखती नहीं है, सो वी स्टैंड लाइक अ मैन, लोंडे सोल्जर बने, बाप बोझ से न डरे तभी शोल्डर बने, हक सच बात करे सारे बोल्डर बने, नर्म दिल थे हमारे पर अब कोल्डर बने, क्योंकि वी गॉट अ फायर ऑन आवर ओन, कलम होता ऊपर कानून से बढ़कर, ये शोक बनी नीड जो जुनून से बढ़कर, कुछ रिश्ते हैं रखे हुए खून से बढ़कर, बा कुछ रिश्ते हैं रखे हुए खून से बढ़कर। तो ये सॉन्ग फिलहाल का मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि ये वो लोंडे टाइप के यानी कि वाइब का सॉन्ग था, ठीक है, बड़ी यानी कि फैक्ट्स बड़ी सही बातें की है सॉन्ग के अंदर, और इसकी बीट भी अच्छी बनी थी, ये सॉन्ग यानी कि थोड़ा प्यार मोहब्बत उस मेलोडी से अड़के था, तो ये बहुत आला सॉन्ग था, ये फिलहाल मेरा टॉप वन है। लास्ट सॉन्ग सुनते हैं 3 AM in 6 3 AM in 6 produced by Joke. Neend aa rahi hai. पता नहीं मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं नाक से नहीं सांस ले पा रहा हूँ। बीट बड़ी प्यारी बनी है, पता नहीं मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं नाक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। स्टार्ट बढ़िया था। पता नहीं मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं नाक से नहीं सांस ले पा रहा हूँ। मुझे पता बातें सारी यूजलेस है, मैं भी बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ये किसको यकीन यूं दिला रहा हूँ, ये बेवजह कसमें जो खा रहा हूँ, मैं खुद मैं किसको यकीन यूं दिला रहा हूँ, बेवजह कसमें जो खा रहा हूँ, तेरी हार रहा हूँ, म्यूजिक मोहब्बत एक अभी तक निभा रहा हूँ, सड़कों पे निकलूं मैं 2-3 बजे, मुझे लगे मेरे बस 2 दिन बचे, जिंदगी लगे जैसे आला आला लाइंस, हाथ तुझे जा रही है, अब नहीं करने मुझे और कोई नशे, मैंने छोड़ी सारी बिगड़ी जो आदतें हैं, कर्जे में चढ़ लगता है जिंदगी हाथों से जा रही है, अब मैंने कोई नशे नहीं करने, अब नहीं करने मुझे और कोई नशे, मैंने छोड़ी सारी बिगड़ी जो आदतें हैं, कर्जे में चढ़ गई इबादतें हैं, मिलती कितनों को सादतें हैं, मेरे साथ कितनों की शहादतें हैं, तो मुंह मेरा जिस तरफ है, कि घर मेरा उस तरफ है,
क्योंकि ये सब मुस्तरद है, जो बना हुआ सर का दर्द है, ये गाने मेरे लिखे हुए दस्तखत है। जे हार कैसे माने, अरे जे तो मर्द है, सभी कांटे को दौड़े जे हार कैसे माने, जे तो मर्द है, पास जो भी फर्द है, खून घोले नस नस में जिस्म सड़ता है, अब उठ। ये सॉन्ग होते हैं जो बंदे को टच करते हैं मैन, दिल को। तो मर्द है सभी कांटे को दौड़े, पास जो भी फर्द है, खून घोले नस नस में जिस्म सड़ता है, अब उठ चल जे कोई बीट बजा, या तो गाने लिख या तो काम पे जा, ना तू मेहनत देख ना दाम पे जा, इट्स प्राइसलेस तो इनाम पे जा। तो मैं पूछूं किसको, मेरे मुश्किल कहां हो, कि ये सब खत्म है या फिर इफ्तिता हो। आवाज में दर्द यार, मुर्शिद कहां। ये होते हैं सॉन्ग, ये 3 AM और लास्ट वाला सॉन्ग जो सुना था ना, बेस्ट है। अब साया चाहिए ये धूप मिटा दे, अनगिनत हो मेरी भूख मिटा दे, गलतियां सारी चूक मिटा दे, ये जो मामले हो वो बता दे, लोग देखे मुझे क्या बता रहे, दिल खोल रखूं। ये बीट चेंज हुई ना पीछे, डू 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 तो ये दिल दुखा रहे, पटके हुए अब घर को आ रहे है, कौन अपना करूं इस्तखारे, ये अश्क बने आबशार और कौन ठहरे जिम्मेदार, पर हम तेरे ताबेदार, तो तू कोई रूप धार के जलवा गर हो सामने आ, हाथ पकड़ मेरे थामने आ, कि सब हुआ फाश अब तो, कि तू अब ढांपने आ, मेरे मुर्शिद कहाँ हो मुझे थामने आ, मेरे मुर्शिद कहाँ हो मुझे थामने आ, मेरे मुर्शिद कहाँ हो कि मेरे अब सामने आ, मेरे मुर्शिद कहाँ हो कि अब तू ढांपने आ। मेरे मुर्शिद का जो लाइन थी उस पे जो वो JJ 47 का दर्द था ना, यानी अनमैचेबल था, यानी कि साफ पता लग रहा था, यानी कि दिल से निकल रही है। तो पूरी EP बहुत अच्छी थी, ठीक है। ये जो आवाज़ था इसमें, जो बीट बनी हुई थी उमैर भाई की तरफ, वो बहुत अच्छी थी। और मेरे पर्सनल फेवरेट ये 3 AM in 6 और पर्दे था, क्योंकि ना थोड़ा वो लव टाइप के पहले दो सॉन्ग थे, आवाज़ और उनवान, ठीक है। और जो पर्दे और 3 AM in 6 था, यानी कि ये थोड़े हार्ड लाइफ स्ट्रगल वगैरह, यानी कि गली मल्ले के लोगों से जिन जो यानी कि रिलेट कर सकते हैं पाकिस्तानी, तो समझ। तो ये पहले दो सॉन्ग उस तरह थे। एल्बम यानी कि एल्बम कह रहा हूँ, EP बहुत प्यारी बनी हुई थी, ठीक है। सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, क्लैप भी होना चाहिए था साथ किसी के साथ, लेकिन चलो EP थी। तो बाकी आपको कैसी लगी है मेरी पूरी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ये सॉन्ग भी जाके सुने। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।